देश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में मरीजों के लिए निशुल्क शुरू किए गए गुरु का लंगर और रैन बसेरा में पैसे वसूलने पर शिमला के सिख समुदायिक भड़क गए हैं और शिमला उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की गई है। शहर के सभी 8 गुरुद्वारों की कार्यकारिणी समिति के प्रतिनिधियों शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही और लंगर से गुरु नानक की फोटो हटाने की मांग की गई है। गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा कि IGMC अस्पताल में गुरु नानक के नाम से निशुल्क लंगर की सेवा शुरू की गई है, लेकिन वहां पर गुरु के नाम पर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। तीन चार पाँच दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था लोकल वेलफेयर सोसाइटी का, जो कि एक शेल्टर होम बना हुआ है गुरु नानक के नाम का घर बना हुआ है, उसको बना के दिया हुआ है और गुरु का लंगर वहाँ चलता है। हमारे को बड़ी खुशी है, वो सेवा कर रहे हैं गुरु का लंगर की वजह से। मगर जो वहाँ पैसे लिए जा रहे हैं गुरु नानक पातशाह के नाम पे, जो अपना पेशेंट्स आते हैं उनके, जो उनके साथ साथ आते हैं, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं वहाँ पे, किसी के 5600 रुपये, किसी का 4000 रुपये। हम गुरु सिंह सभा इसको बिल्कुल नकारती है। जहाँ गुरु नानक का घर होता है वहाँ फ्री सेवा होती है, बेसिकली पैसे नहीं लेने चाहिए। और या तो हम DC साहब को यही ज्ञापन दे रहे हैं, या गुरु नानक पातशाह जी की फ़ोटो और गुरु नानक का नाम हर जगह से हटाया जाए, क्योंकि ये जो सेवा चलती है, हम मानते हैं लंगर की जो सेवा होती है उसमें अपने इच्छा से जो मर्जी दे जाए, मगर पैसे मांगे कहीं नहीं जाते हैं। बेसिकली आप जिस मर्जी संस्था में चले जाएं, जहां पैसे मांगने का काम हो गया वहां तो धंधे वाले काम हो गया। बेसिकली हम चाहते हैं कि गुरु नानक पातशाह जी की फ़ोटो वहां से हटे और गुरु नानक पातशाह जी का नाम वहां से हटे। आप नोफल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो मर्जी करें, जो मर्जी लें, हमारे को कोई इतराज़ नहीं है, मगर गुरु नानक पातशाह जी के नाम पर आप जो लंगर चला रहे हैं, वो घर चला रहे हैं, शेल्टर होम चला रहे हैं, उसमें पैसे नहीं लिए जाने चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जो कि देने से पहले जब आपने दिया था, सरकार ने इनको अलॉट किया था, तो वो निशुल्क के नाम पे किया था, मगर ये नहीं होना चाहिए कि पैसे नहीं लिए जाने चाहिए। सोसाइटियाँ जो भी चलती हैं, सेवा सोसाइटी चलती है पैसे, मगर पैसे मांगना गलत है। जब आप फ्री बेड ले रहे हैं, 50 बेड वहाँ लगे हैं, आप इच्छा अनुसार जो मर्जी देके जाए वो बात अलग चीज़ है, मगर जब मांगे जा रहे हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, जाहिर किया कि वहाँ पैसे लिए जा रहे हैं, किसे 5600, किसे 4000 रुपये, वो गलत है। गुरु सिंह सभा सिख संतों में इसका बड़ा भारी रोष है। हमारे को कहां से टेलीफोन नहीं आया कि इसको जरूर कंडेम करके इसको बंद कराया जाए, और या तो निशुल्क चलाए, और नहीं तो गुरु नानक साहब जी की फ़ोटो जो वहां लगाई हुई है और जो गुरु नानक साहब के नाम पे चलाया जा रहा है, उसको लूटसूट को बंद किया। इसको लेकर आपकी संस्था के साथ कोई बात भी हुई? हमने कोशिश किया, अप्रोच किया, जो उनके साथ जुड़े आदमी थे उनसे बात की गई हमने, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमारा। हम तभी DC साहब को इस मामले में दे रहे हैं कि सिख संगतों में बहुत रोष है कि गुरु नानक साहब की, पहली तो है कि इस पर ऐसे लगा नहीं सकते आप, कहीं जहां फ्री सेवा होती हो वहां जरूर लगाएं, मगर जहां सेवा फ्री नहीं हो रही है, जहां पैसे लिए जा रहे हैं, लूट छूट हो रही है, तो वहां गुरु नानक पातशाह जी की फोटो नहीं लगा सकते। तो आज उपायुक्त के माध्यम से क्या उसे हटाने का प्रयास किया जाएगा? हम उपायुक्त को यही विनती करेंगे कि आज आप यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको इस गुरु नानक पातशाह जी को फोटो को हटा जाए। वो जो भी उन्होंने कार्य अपना करना, वो नोबल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से करें, हमारे को कोई भी इतराज़ नहीं है, मगर गुरु नानक के पातशाह के नाम पे कुछ नहीं होगा। जो गोलक उन्होंने सारी दुकानों में लगाई हैं, वहाँ से भी गुरु नानक पातशाह का नाम हटाएं, और यहाँ से भी गुरु नानक पातशाह जी का बोर्ड हटाएं, और जो मर्जी नोबल वेलफेयर के हिसाब से जो मर्जी करते रहें, हमारे को कोई इतराज़ नहीं।